हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपको आज नौबची पौधे के बारे में, 9 o'clock फ्लोवर के बारे में, इसे 10 o'clock फ्लोवर भी कहते हैं, इसे दोपहर का फूल भी कहते हैं और इसे बिच्छू बेल के नाम से भी जानते हैं, इसके फ़ायदों के बारे में जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे की रंगत खो गई है या फिर बहुत उपाय करने के बाद भी दाग धब्बे नहीं जा रहे हैं और आपके चेहरे के ऊपर कालापन सा रहता है, आपके चेहरे पर ग्लो लाने के लिए, आपकी स्किन को ट्यून करने के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए ये फूल बहुत ही ज़बरदस्त है और आपके बालों को स्मूथ करने के लिए, जड़ से मजबूत काले घने के लिए ये नौबची का फूल बहुत ही उपयोगी है। इसमें बहुत से प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं और इस नुस्खे का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। ये नौबची का पौधा जितना दिखने में सुंदर है, इसके अंदर उतने ही आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, लेकिन फ्रेंड्स, लोगों को इसके फ़ायदों के बारे में नहीं पता है। लोग अपने चेहरे के ऊपर दाग धब्बों को हटाने के लिए या फिर गोरा होने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते हैं और पैसों की बर्बादी, टाइम की बर्बादी करते हैं और कभी कभी तो अपने पेस को बिगाड़ लेते हैं। मैं आपको आज 2 होम रेमेडीज बताऊंगा। सबसे पहले पेस के लिए बात करते हैं। अगर आप चेहरे को गोरा करना चाहते हैं, चमक लाना चाहते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, इसके लिए 3 नौबची के फूल लेने हैं और उसका एक पेस्ट बना लें। उसके बाद उसमें शहद मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लें और यह पेस्ट रात में ही लगाएं। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद पेस्ट को पानी से धो लें। कुछ ही दिन में आपका चेहरा खिलने लगेगा। अब हम बालों के बारे में बात करते हैं। यदि आप बालों को मजबूत, काले और लंबे करना चाहते हैं तो नौबची के पत्तों को बारीक पीस लें और इसमें बादाम का तेल मिलाकर एक पेस्ट बना लें और अपने बालों में लगा लें और आपको इसका फ़ायदा जल्द ही मिल जाएगा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।